तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में और हमारे YouTube चैनल जिसका नाम राम ऑटो सर्विस है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्लैमर जो कि हीरो की है उसका फुल इंजन, ग्लैमर या सुपर स्प्लेंडर दोनों की इंजन का पार्ट, उसकी जो फिटिंग के सिस्टम होते हैं सब कुछ सेम होता है। तो आपको हम चलिए दिखाते हैं वीडियो में, देख सकते हैं गाइस ये रही अपनी बाइक, इसका हम करेंगे फुल इंजन रिपेयर। तो चलिए बने रही वीडियो में दिखाते हैं आपको। तो ये अपना इंजन सारा खुला हुआ है और हमने वॉश कर लिया क्लीन हो गया। तो सबसे पहले हम गियर बॉक्स सेट करेंगे जो कि ये रही गियर गिरानी है अपने दो गुच्छे, इसको निकालने की जरूरत नहीं, अगर निकाल भी दे तो कोई चक्कर नहीं, अपने चैनल पे वीडियो मिल जाएगी गियर सेटिंग की भी। ये देख सकते हैं सिंपल ही है, ये जो है इसमें छोटी गिरारी लगती है चैन वाली जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर लगेगा, इसको सिंपली ये देखते हैं गाइस ये बैठ गई ये वाली। तो देख सकते हैं गाइस अपने दोनों बैठ गए हैं गियर गुच्छे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक वॉशर रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं गुच्छा बैठा है कि नहीं दोनों तरफ से, ये देखिए यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं कि ये चीज़ पूरी निकली है कि नहीं, ये पूरी निकली हुई है मतलब गियर गुच्छा अपना बैठा हुआ है। ये बैठाने के गियर गुच्छा फिट करने के बाद गाइस ये पिने लगाएंगे जो कि गियर सिलेक्टर है और ये इसकी पिन है। सिलेक्टर पिने कैसे लगाएंगे ध्यान रखना, इन दोनों में फ़र्क है गाइस। इसमें देखिए एल है, फ्लैश लाइट जला लेते हैं, ये देखिए इसमें एल बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों के डायम फर्क है। जो एल साइड जिस पे एल लिखा है वो अपनी इस शापट की, जो क्लच साइड निकली रहेगी जो बड़ी वाली शापट है ये इसका है, और जिस पे कुछ नहीं लिखा है वो इसका है। इसमें लगाना कैसे है, एक ऐसा साइड है एक में उठा हुआ है, या कह लो एक तरफ इसका वो उभार ज़्यादा है, जिस तरफ उभार ज़्यादा है ये चीज़ ऐसे लगेगी, ऐसे नहीं लगाइएगा इस फिट नहीं होगा, इसको ऐसे लगाना है इस वाले में जो मेन है अपना, इसको ये हम लगा लेते हैं ऐसे, ये देखिएगा ये लग गया। और दूसरा जिसमें एल लिखा था वो लगेगा इस तरह, ये ध्यान रखिएगा उसमें अपनी ऐसी लगी है, इसमें हम ये ऐसे लगाएंगे क्रॉस में कह लो, सिंपल सी बात है, इसको हम लगाएंगे इधर, ये देखिएगा ये इधर लग गया ये इधर। इसको लगाने के बाद पहले हम इसको नहीं लगाएंगे पहले इसको लगाएंगे इस जो कि गियर सिलेक्टर अपना, ये देखिए ये है एक ऐसा है, ये वाला जो पासा है ये ऊपर रहेगा, ये वाला पासा नीचे, ये देखिए सिंपल सिर्फ ऐसा लगाया। उसके बाद इनको हम इनमें बैठा लेंगे, आज ये दिखाते हैं आपको नज़दीक से, ये देखिए ये वाली पिन अपनी इसमें लगेगी और ये वाली पिन अपनी ऊपर लगेगी, यहाँ आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए गाइस इधर देखिए ये वाली पिने यहाँ पर, ओहो एक निकल गई, इसको हम दोबारा लगा लेते हैं, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये वाली ये पिने यहाँ लग गई हैं। अब सिंपल हम अपनी ये जो मेन रॉड है वो लगाएंगे, अगर ये सेंटर में ना आए तो इसको बहुत, ये दोनों कई बार जब सेंटर में नहीं बैठते इस पिन के तो इसको हम हल्का इधर उधर मूव कर लेंगे, जैसे कि ये देखिए सेंटर नहीं बैठा हम इसको मूव कर, ये देखिए ये अपना बैठ गया, ये देखिए इधर ये भी बैठ गया इधर ये भी बैठ गया, ये देखिए यहाँ से हम गियर पाके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही लगा कि नहीं, ये देखिए
इसको घुमाकर इसको साथ में ऐसे ये अपना गियर बॉक्स, गियर बक्सा, गियर गरारियाँ या गियर गले अपनी सारी हो गई फिटिंग। तो गाइस गियर फिट होने के बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे, पहले क्रैंक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको किक शाफ्ट लगेगी यहाँ वो दिखाएंगे, उसके बाद चैम्बर फिट हो जाएगा। तीन चीज़ होती हैं गाइस, गियर बक्सा, क्रैंक और किक वाली राड, शाफ्ट कह लो, राड कह लो, कुछ भी कह लो। अब हम लगाएंगे क्रैंक। देखिए गाइस अपनी क्रैंक जो कि हमने खरादिया से रिपेयर कराई है, ये इसकी पैकिंग है खरादी की तरफ से आई है, इसको हम खोल कर फिट करते हैं। ये देखिए गाइस क्रैंक अपनी, ये अपनी बैरिंग है, इसको पहले थोड़ा ऑयल कर लेंगे। ऑयल कर लिया, ये बैरिंग इस साइड पड़ेगा, ये बैरिंग चेंज हुई है गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये देखिए गाइस अपनी क्रैंक बैठ गई, कैसे पता लगेगा, ये देखिए तो इसमें आ जाएंगे, ये जो शापट में सेंटर लाइन है ये अपने चैम्बर के बराबर आनी चाहिए। देखो ये देखिए गाइस अपनी क्रैंक बैठ गई है, कई बार ये प्रॉब्लम करती है बैठने में, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ ग्लैमर में ही होता है गाइस या सुपर स्प्लेंडर के कई मॉडलों में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए इस तरफ अपने ये जो है इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, एक पत्ती लगकर 8 नंबर का टाइट होता है, इसको लूज कर लेंगे, इसमें एक स्प्रिंग और एक यहाँ ये बुश होता है वो निकलेगा। ठीक है गाइस इसको निकालने के बाद क्रैंक बड़े आराम से अपनी बैठ जाएगी, ये देखिए फ्री हो जाएगी पूरी क्रैंक बैठ गई अपनी, और ये गरारियाँ बैठ गई। अब बारी आती है किक की, ठीक है ये देखिए किक अपनी शापट कहाँ है, और वो देखिए सामान अपना धुल कर रखा हुआ है, ये देखिए अपनी किक शापट, देखिए यहाँ लगेगी गाइस, ये ध्यान रखना है। ये देखो आ जाओ गाइस दिखाते हैं आपको, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है, ये जो पिन जो रिटर्न करने वाली स्प्रिंग टाइप का काम करती है वो कहाँ रहेगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है, तो ये रहेगी गाइस यहाँ पर ये चैम्बर के ऊपर, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है जो अपना सेकंड चैम्बर है, मेन चैम्बर देख सकते हैं, उसमें यहाँ पर गैप बना है, कट बना हुआ है, ये देखिए ये देखिए ये स्प्रिंग यहाँ बैठेगी अगर गाइस, तो ये भी लग गया, क्रैंक भी लग गई, गियर बक्सा भी लग गया, अब इसको करेंगे हम फिट। करने के बाद अपनी पैकिंग, इसमें पैकिंग लगाएंगे ऐसे एनाबॉन्ड लगाकर फिर चैम्बर फिट करेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा इसको ऊपर रखिएगा, पैकिंग के अंदर मत रख दीजिएगा, वरना ऑयल लीकेज होगी, टापा भी नहीं बैठेगा, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, तो पहले इसको लगाते हैं। नवी
विष्णु देख रहा है ना तू कैसे हो रहा है, अगला इंजन कैसे बनवाऊंगा, पूछना मत यहाँ क्या होगा कैसे होगा, इसलिए तेरे सामने बांध रहा हूँ, देख ले कहाँ क्या लगा था कैसे लगा था, ठीक है। एक ही बार में तेरे सीख जाना है, अभी बस ये बांधने की शुरुआत ही है। तो गैस एनामोन लग गया है, पैकिंग भी लग गई है, इसको हम इसको अपनी जगह पर घुमा देते हैं, यहाँ पर ये आ गया अपना मेन चैम्बर, ठीक है गैस। लेकिन 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 इससे पहले करना है कि जरूरी काम, गाइस क्रैंक में इस साइड भी कुछ होता है, बैरिंग जो कि ये है ना, ये है, ये बैरिंग हमने चेंज नहीं किया गाइस, उस साइड वाला चेंज किया है क्योंकि इसको चेंज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती और अपना ये सही है। तो इसको एक साइड कॉलर बनी है, एक साइड कुछ नहीं, जो कॉलर है वो नीचे रहेगी, अगर इसको ऊपर कर देंगे तो अपना बैरिंग लगेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे किया ये देखिएगा ये बैठ गया अपना, उसके बाद अपना ये बैरिंग। अब हम लगाएंगे चैम्बर, इसमें ऑयलिंग हम टापा लगाने के बाद भी, चैम्बर फिट करने के बाद भी ऑयलिंग कर सकते हैं, तो इससे पहले हम ये टापा लगाएंगे। ये देख सकते हैं जो ये चीज़ है, जो ये कट है स्प्रिंग में ही रहेगा, फिट करते समय हम इस वाली चीज़ का ध्यान भी देंगे, तो इधर आ जाइए, ये देखिए इस जगह पर गाइस अपना थोड़ा उधर था, तो हम इसको आराम से हाथ से ही इधर घुमा लेंगे, देखिए ऊपर से शापर घुमा देंगे, यहाँ आ जाएगा, इसको बैठाना है, अपना चैम्बर पूरा बैठ गया। चैम्बर बैठने के बाद अब इसके मेन बोल्ट लगाकर इसको टाइट करेंगे पहले, फिर करेंगे इसके बाकी काम। ये है बोल्ट इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 11 होते हैं गाइस बोल्ट, 8 लगे हैं, 9 देखिए यहाँ पर लगेगा, इसके अंदर एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, इसको अब हम 8 नंबर गोटी की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस अपना चैम्बर हो गया फिट, हमने कर दिया टाइट, तो अब इसको ये देखिए गाइस अपना मेन चैम्बर फिट हो गया है, चारों तरफ से टाइट हो गया है, ठीक है गाइस। तो अब सबसे पहले हम इसको लगाएंगे जिसको हमने खोल रखा था यहाँ पर, ये बूस्ट तो लगा ही हुआ है, बस इसमें हम स्प्रिंग डालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो ये देखिए स्प्रिंग जो हमने निकाली थी, इसको यहाँ पर ये देखिए लग गया, इसको उठाकर यहाँ पर ऐसे रखने के बाद इसको टाइट करेंगे
आठ नंबर की गोटी से, क्योंकि ये आठ नंबर का नट है, सॉरी बोल्ट है। ये देखिए गाइस, ये हो गया टाइट। उसके बाद यहाँ पर जो लगे होते हैं एक दो तीन, जो क्रैंक को पकड़ के रखते हैं, क्रैंक के बैरिंग को पकड़ के रखते हैं, ये क्लिप कह लो, वाशले कह लो, लॉक कह लो, जो भी चीज़ें ये लगेंगी कुछ ए ऐसे। इसको पहले अच्छे से हम बैठा लेंगे। ये गाइस तीनों हमने पत्तियां लगा दी हैं, ये देख सकते हैं इसके तरीके से। इसके जो तीनों बोल्ट हैं इसको लगाएंगे। तो देखो गाइस तीनों बोल्ट टाइट हो गए, पत्तियां लग गई हैं। ठीक है गाइस, ये भी टाइट है, तीनों पत्तियां भी लग गई हैं। तो अब हम जाएंगे क्लच साइड। तो गाइस अब इस पोर्शन को हम कंप्लीट करते हैं। ये अपना गियर सिलेक्टर है और ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूट्रल लाइट के लिए है। यहाँ पर ये देखिए एक सुराख है सेंटर, तो ये देखिए गाइस ये स्प्रिंग और ये ठुल्ली गुल्ली है जो कह लो, ये लगेगा यहाँ इसके अंदर। ये हाँ ये देखिए ये लग गया। अब ये जो है अपनी, ये देखिए यहाँ पर लोहा है, ये लोहा जब अपनी इस गुल्ली में टच होता है, इस गुल्ली में जब ये लोहा टच होता है तब न्यूट्रल लाइट जल जाती है, इसीलिए दिया होता है। अब ये रबड़ है इससे ताकि ऑयल लीक ना हो। गाइस अब हम ये क्लच वाला पांचवा पोर्शन है जो इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक लॉक है, यहाँ एक लगता है। ये देखिए ये जो पतली थी पिन, लॉक, सिम जो भी कहते हैं, ये वाली चीज़ इस सुराख में लग जाएगी। तो लगाते हैं। ये देखो गाइस ये पिन यहाँ लग गई। अब ये गरारी लगाएंगे, पतली है काफ़ी, वो वाली गरारी। ये देखो गाइस ये बैठ गया यहाँ पर, ये यहाँ बैठ गया है। उसके बाद यहाँ और गरारियाँ लगती हैं जो कि आपको लगा के हम दिखाते हैं। सबसे पहले लगेगा अपना, इसके लगने के बाद गाइस यहाँ पर एक बुश लगेगा जो कि इस तरह है। इसमें कोई सीधा पुट्ठा नहीं होता, जैसे मर्जी लगा दो। उसके बाद यहाँ पर काटर जो कि ये है। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है या आपके किसी भी काम आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम और ऐसी वीडियो बनाते हैं। ये देख से गाइस ये लगने के बाद, काटर लगने के बाद यहाँ पर एक गरारी लगाएंगे। ये देखिए गाइस इसका भी उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, बस ये चीज़ जो ये कट है इसमें लगेगा, इसको लगाते हैं ये इस तरीके से। ये देख सकते हैं गाइस ये गरारी, इसके बाद बुश, फिर ये तीनों अपनी यहाँ चीज़ लग गई है। उसके बाद हम करेंगे किक वाला राड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से मेरे भाइयों को नहीं समझ आता। ठीक है गाइस कि इसको कैसे फिट करना है कैसे नहीं। तो सबसे पहले ये अपनी प्लास्टिक वाली छोटी दो होती हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक छोटी एक बड़ी, जो छोटी वाली है प्लास्टिक का बुश उसको पहले यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद अपनी ये वाली वाशल आती है, ये देख सकते हैं इसमें इस तरफ लिखा हुआ है आउट। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस ये देखिए आउट लिखा हुआ है। ये चीज़ अपना बाहर रहेगी,
तो इसको हम सीधा लगाएंगे। याद रखना गाइस, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। इसको हम फंसाएंगे नहीं, इसमें ऐसे फंसेगी लेकिन अभी फंसाएंगे नहीं इसको। इसको अभी हम बाहर ही ऐसे रखेंगे, उसके बाद स्प्रिंग अपनी स्प्रिंग को ऐसे अंदर घुसाते हैं। ये वाली जो चीज़ है गाइस, ये वाली चीज़ अपने ध्यान देखिएगा, ये वाली चीज़ अपनी इसमें फंसेगी, इसमें, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे फंस गई है। फंसने के बाद यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ थोड़ा ऐसे रहे, इसके ऊपर ना चढ़े। यहाँ ये फंस गया, यहाँ ये फंस गया। अब इस वाली चीज़ को हम यहाँ फंसाएंगे, आपको फंसा के दिखाते हैं। इसको फंसाएंगे तो ये चीज़ भी अपने आप धंधे पकड़े लेगी और बैठ जाएगा। हम आपको बैठा के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये स्प्रिंग यहाँ, ये वाली यहाँ, और ये अपने, ये देखिए, ये धंधे पे भी अपनी ये चीज़ चढ़ गई है यहाँ पर। ये देखिए अपनी ये किक वाली स्प्रिंग बैठ गई है, देखिए अंदर से भी दिख रहे हैं कि अपने धंधे बैठ चुके हैं। अब ऊपर से अब ये काली वाली बड़ा बुश ये लग जाएगा ऊपर। ये जो बुश है पूरा, ये जो आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा यहाँ तक टच होगा, यहाँ तक बैठाना पड़ता है गाइस। थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन इसको बैठाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बैठाएंगे तो अपना क्लच वाला टापा बैठेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा। तो इसको हम बैठा के दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, ये अपना ये जो गैप था, ये देखिए, यहाँ जो गैप था, अपनी प्लास्टिक वाली बुश आ गई है। इस कंडीशन में अपनी जो की काली शापट है, जो बुश है, स्प्रिंग है, पूरी तरीके से बैठ गया है। अपना इधर काम हो गया, इधर हो गया, अब करेंगे इधर। अब हम यहाँ लगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर गियर के लिए हम चिड़ी लगाएंगे। गियर चिड़ी कहते हैं, या हर किसी की लैंग्वेज अपनी अपनी अलग होती है। तो ये दिखाते हैं, तो देखिए दो पिन लगा दिए हैं, बाकी की चार पिन इसमें लगी हुई हैं। ये देखिए, तो इसको पहले हम लगा लेते हैं इसको, इसको पहले हम न्यूट्रल कर लेते हैं, गाड़ी गियर में है, ठीक है गाइस। ये देखिए, इसको हम घुमा रहे हैं तो ये वाली, इसको घुमा रहे हैं तो ये वाली चीज़ भी घूम रही है। अगर ये घूम रही है तो समझ लो गाड़ी गियर में है, ठीक है गाइस। इसको हम, ये देखो गाइस, इस शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं, ये वाली शाफ्ट फ्री है, देखिए। अगर ये घूम रही है तो गाड़ी गियर में है, पहले गियर में थी, हमने न्यूटन कर दी। इसको घुमा रहे, ये वाली नहीं घूम रही, यहाँ से हमने इसको न्यूटन किया। अब ये दो जहाँ सुराख है, ये तो इसमें आएंगे, रुकना। तो गाइस अब इसको हम लगाते हैं सिंपली, इसको पहले इसको थोड़ा हम दबा लेंगे अपनी, इसको रोक गया और साफ। गाइस ये देखिए, यहाँ हमने इसको लगा दिया, अपनी गाड़ी न्यूटन है, ये देखिए, इसको घुमा रहे हैं, ये घूम नहीं रही, ये लग गया। अब यहाँ पर हम इसका ऐसा नट होता है वाशर के साथ, इसको पहले यहाँ लगा देंगे इसके बीच में। गाइस अब इस पांच नंबर एलकी से इसको टाइट कर देंगे, ये देखिए अपना गियर पड़ रहा है टाइट करते समय। इसको चौथे गियर में पालेंगे पहले ताकि इसको हम टाइट कर सकें। ये देखिए गाइस, अब चौथे गियर में इसको घुमा रहा हूँ तो ये अली गरारी, ये देखिए ये अली गरारी घूम रही है अभी, ये चौथे गियर में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पहले टाइट कर लेते हैं फुल, ये देखिए गाइस, इसको फुल टाइट कर लिया। अब इसको हम, ये देखो, घुमा रहे हैं तीसरे गियर में, एलकी की हेल्प से हम इसको गियर कम करते हैं, इसको घुमा घुमा के, ये देखिए अब हो गई न्यूटन। ये देखिए ये नहीं घूम रही, ये न्यूटन हो गई।
तो गाइस ऐसे हम चेक कर सकते हैं हमारे गियर बक्सा प्रॉपर बैठा है या नहीं। ठीक है गाइस, तो अपना बक्सा बैठा है इसलिए प्रॉपर सारे गियर पड़ रहे हैं। इसके बाद हम इसकी लगाएंगे गियर शापट, जो कि ये रही, कुछ नहीं करना है इसके। सॉरी गाइस, वीडियो में अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, तो अब ये लगाएंगे इसको सिंपल। ये वाला जो राड है इस सुराख में रहेगा, और ये वाली चीज़ यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये अपना ये बैठ गया, ये शापट अपनी यहाँ से लग कर देखिए इस पर बैठ गई है। ये सब होने के बाद गाइस अब लगाएंगे हम यहाँ क्लच कटोरा। उससे लगाने से पहले सबसे पहले यहाँ लगाएंगे एक बुश, जो कि इस तरह होता है छोटा बुश। ठीक है गाइस, ये लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बताते हैं आपको। ये पहले गया, ठीक है गाइस। अब आ गया ये कटोरा, ये कटोरा। ये देखो गाइस, इधर देखो, अगर वो बुश नहीं लगेगा तो ये दोनों दंदे आपस में बैठेंगे नहीं और अपना इंजन वर्क करेगा नहीं, इसलिए वो बुश नीचे ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अब ये बड़ा वाला बुश जो कि इसके सेंटर में लगेगा, ताकि इसकी प्ले ख़त्म हो जाए। ये लग गया। अब यहाँ एक मेन बड़ी वाशर यहाँ पर ऐसे, इसके ऊपर क्लच प्लेट, जो कि अभी आपको हम फिट करके दिखाते हैं। तो गाइस, इसके नीचे एक वाशर रखी थी हमने, फिर क्लच प्लेट लगाया, अब वाशर रख के बोल्ट इसका टाइट कर दे रहे हैं। ठीक है गाइस, इसको टाइट करने के बाद यहाँ 6 स्प्रिंगे लगाकर प्लेट लगाकर टाइट करेंगे, जो कि आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। पहले इसको हम कर लेते हैं टाइट। ये देखिए गाइस, ये हो गया टाइट, क्लच प्लेट टाइट होने के बाद अब हम इसमें लगा देंगे 6 के 6 स्प्रिंग। ये देखो गाइस, 6 स्प्रिंग लग गया। अब इसकी ये प्लेट जिसमें 3 बोल्ट टाइट होंगे इस तरह लगा देंगे, जिनके अंदर चूड़ी होगी, जैसे कि ये देखिए गाइस, इनके अंदर चूड़ी होगी, जिनके अंदर, इनके अंदर चूड़ी नहीं है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसमें नहीं है, तो जिसमें है वो वाला पोर्शन हम यहाँ इसमें रखेंगे, ताकि अपना नट टाइट हो। ठीक है गाइस, इसको रखने के बाद अब 10 नंबर के 3 बोल्ट होते हैं, उनको हम कर लेते हैं टाइट फटाफट। ये देखिए गाइस, ये 3 हैं 10 नंबर के, एक इधर, इधर, एक इधर। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये अपना फिट हो गया, टाइट हो गया। इसके अंदर पड़ता है बैरिंग, वो हम धोकर मोबिल लगाकर उसको भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लगेगा, जो जो काम होगा आपको दिखाएंगे, सारा काम देखते जाइए गाइस। ये देखो गाइस, ये हमने बैरिंग लगा दिया, वॉश करके अच्छे से इसमें मोबिल लगाकर ही इसको लगाया। अब लगेगा अपना क्लच वेट। गाइस ये वेट लग गया, यहाँ पर भी वाशर और नट, उसको करते हैं टाइट फटाफट। ये देखो गाइस, क्लच वेट लग गया, अब नट लग गया, इसके ऊपर अब प्लेट लगेगी, जो कि ये वाली है, देख सकते हैं। ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पर एक रिंग लगती है, इस बात का गौर देना है। ये देखिए, हमने इसमें जगह दी हुई है, ये गोल गोल, इसके अंदर रिंग लगती है, जो कि ये रिंग, ये वाली रिंग इसके अंदर लगेगी गाइस, ये इस तरीके से। ये रिंग लगने के बाद ही अपना ये कसाएगा ऐसे, 10 नंबर के 3 छोटे बोल्ट इसमें लगाकर कस देंगे, जो कि ये रहे। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं फटाफट। ये देखो गाइस, अपना ये सारा टाइट हो गया, सब कुछ हो गया है। अब बस यहाँ 2 चीज़ रह गई हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको दिखाते हैं। पहला गाइस देख सकते हैं, ये ऑयल वाला फिल्टर जो कि यहाँ लगेगा, इसको लगा देते हैं फटाफट। ओ सॉरी, उल्टा लग गया था। ये देखिए गाइस, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये वाली चीज़ देख सकते हैं, ये जो छोटा सुराख है, पतला सुराख ये ऊपर रहेगा, ये बड़ा सुराख है, इसको क्लीन कर लीजिएगा याद से,
क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ पर इस कदर लगा देंगे, ठीक है गाइस, ये यहाँ लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, पैकिंग लगाना है, नाबॉन्ड लगा के अपना टापा कर देना फिक्स, अपना क्लास साइड हो गया कंप्लीट। तो चलिए फटाफट हम भी कर लेते हैं गाइस। इसका इंजन हमने बांध दिया पूरा, आपको हमने वीडियो में दिखाया ही। जो चीज़ आपको इसमें मिस लग रही है, जो आपने नहीं देखा, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए, हम आपको पूरी वीडियो आपको जल्द ज़रूर ही दिखाएंगे और आपका प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर करेंगे। बाकी हेड और किट फिटिंग की वीडियो आपको एक्टिवा वाले सेक्शन में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, तो उसको जाकर देख सकते हैं आप, क्योंकि हेड और किट की फिटिंग दोनों सेम ही होती है ऑलमोस्ट। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।